कभी खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान काफी समय से एनडीए से बाहर है और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की है और खुद चिराग पासवान ने अपने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की है और बैठक में मुख्य चर्चा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर हुई। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो वहीं चिराग ने लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ रविवार को एक बैठक भी की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की राजनीति में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोक जनतांत्रिक पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने आवास में पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक से पहले चिराग पासवान से उनके आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर नित्यानंद से पूछा गया कि क्या चिराग एनडीए में आ रहे हैं और क्या केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। इस पर नित्यानंद राय ने कहा कि कई बातें हुई हैं, बहुत अच्छे माहौल में बातें हुई हैं। इसे लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में फिर चिराग पासवान की वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों की हुई आज बैठक में गठबंधन पर फैसले के लिए मुझे अधिकृत किया गया। 2-3 बैठकें और होंगी, इसके बाद गठबंधन को लेकर फैसला हो जाएगा। समय समय पर कई मुद्दों पर मैंने बीजेपी का समर्थन किया है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में भी मैंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज मुझसे मिले, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। 2024 में हम किससे गठबंधन करेंगे ये जल्द तय कर लेंगे। वहीं केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली में बीजेपी की आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बैठक को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि आज की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने गठबंधन पर फैसला लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया। चिराग जो भी फैसला करेंगे पार्टी को स्वीकार होगा। एनडीए में जाना है या नहीं, इस पर चिराग फैसला करेंगे। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। केंद्र में मंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट चिराग के चाचा पारस को छोड़ना होगा। हाजीपुर सीट वो पारस से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की बैठक से पहले आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि चिराग से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, आज उनसे मुलाकात हुई तो कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी। जो भी बात हुई है वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और चिराग गठबंधन पर फैसला ले सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। वहीं बैठक से ठीक पहले नित्यानंद राय की जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और चिराग पासवान की आगामी तैयारियों को दिखाती हुई नज़र आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।